जय बाबा की, जय करौली सरकार के सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था एक साधक का, और उन्होंने पूछा था कि मैं साधना कर सकता हूँ क्या। और वो दरबार से अभी नए नए जुड़े हैं और करौली सरकार की वीडियोस उन्होंने देखना शुरू किया है, तो उनका प्रश्न था कि मैं साधना कर सकता हूँ क्या। तो देखिए, जो मैं बातें आप लोग को बताने वाली हूँ, ये मैंने खुद गुरुदेव के मुख से सुना है, जाना है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तक आपके ऊपर प्रेत बाधा और पूर्वज आपके मुक्त नहीं होते, उससे पहले आप जो भी साधनाएं करते, जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो आपको नहीं लगती, उसका उल्टा परिणाम होता है। आपका पूजा पाठ, आपके जो घर में प्रेत हैं, जो आपके शरीर पे हैं, वो उसका पूजा पाठ खा जाते हैं, ठीक है। तो उसका जितना भी आप पूजा पाठ करोगे, उसका आपको उल्टा ही परिणाम आपको मिलेगा। आप खुद देख भी रहे होंगे, अभी भी आप अपने ऊपर खुद देख सकते हो, जितना आपने पूजा पाठ किया उसके बदले आपको क्या मिला है। तो ये सारी पूजाएं हमारी प्रेतों को चली जाती है, इसके वजह से सब कुछ उल्टा होता है। लेकिन जब आप दरबार से जुड़ जाते हो, आप दरबार की दो विधियां हवन करो या नमन करो, उसके द्वारा जब आपको आपके साथ हवन और एक अमावस्या हो जाती है, आपके प्रेत बाधा चले जाते हैं, आपके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद आप जो भी पूजा पाठ करते हो, साधनाएं करते हो, उसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। फिर आप देखोगे कि सब धीरे 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 जो बिगड़ा था, सब धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। बाकी अगर दरबार से अभी आप नहीं जुड़े हो और पहली बार आप वीडियोस देख रहे हो करौली सरकार का, और दरबार के नियम को अपनाना चाहते हो, तो उससे पहले आप क्या करें। तो गुरुदेव कह रहे थे कि उससे पहले दरबार का एक महामंत्र है, ओम नमः शिवाय का। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो उसका पूर्ण लाभ आपको मिलता है। और आप शिवलिंग की पूजा करते हो, क्योंकि शिवलिंग ही एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पे शिवलिंग, उस पे आप अगर पूजा पाठ करते हो शिवलिंग की, तो उस पे प्रेत कभी नहीं आके बैठ सकते। वो कितना भी छोटा रहे, कितना भी बड़ा रहे, उस पे कभी प्रेत नहीं आ सकते। बाकी 8 अंगुल से बड़ी कोई भी मूर्ति अगर आपके घर में है, तो उसके ऊपर प्रेतों का ही वास है, तो आप उसकी पूजा पाठ करोगे मूर्तियों की, 8 अंगुल से बड़ी मूर्तियों की, तो आप सीधे सीधे प्रेतों की पूजा कर रहे हो। बाकी जो शिवलिंग है, छोटी रहे या बड़ी रहे, उसकी आप पूजा पाठ करते हो, उसका पूरा आपको लाभ मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेत नहीं रहते। तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हो, और दरबार का महामंत्र है ओम नमः शिवाय, आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, उसका पूरा आपको लाभ मिलेगा और सब अच्छा होगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किसे पूजा अभी करनी चाहिए और अभी किसे नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और जब आप दरबार से जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ ही जाएगा। और करौली सरकार के वीडियोस आप देखते रहिए, धीरे 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 आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्यार से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।